तो दोस्तों आज हम आए आपके सामने एक नए वीडियो लेकर मैनेजर कमीशन। तो हमने पहले वीडियो में जैसे पढ़ा था फंडामेंटल, फंडामेंटल में जो भी कुछ था हमने सब पढ़ लिया। और हमारा दो टॉपिक रह रहा है, पहला रह रहा है मैनेजर कमीशन और दूसरा रह रहा है पार्टनर को गारंटी देते हैं तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर। हमारा दो टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद हमारा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम गुडविल पढ़ेंगे नहीं तो पार्टनर से पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन। अगर मैनेजर कमीशन होगा तो इसे हम पीएल अकाउंट में दिखा देंगे, और अगर पार्टनर कमीशन होगा तो इसे हम पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग एक आफ्टर चार्जिंग। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से ये पहले से ऐड हुआ होगा हम क्या करेंगे, और एक बाद में ऐड हुआ होगा उसमें क्या करेंगे। दो ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बिफोर चार्जिंग एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, इनटू रेट, जो भी हमारा रेट दिया होगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है। वही आफ्टर चार्जिंग में क्योंकि वो पहले से ऐड होगा तो हम एक बार जिसका जो भी उसका कमीशन होगा पार्टनर का या मैनेजर का, वो उस नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, उस नेट प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन ऐड होता है। इस वजह से हम नीचे प्लस में 100 प्लस रेट कर देंगे, जो भी हमारा रेट होगा 10% 5% 15% उस रेट को हम प्लस कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन। इसमें भी आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जो नया सिलेबस है उसके अंदर तो काट दिया गया है 20% जो कटा था उसके अंदर तो गारंटी और पार्टनर कट गया है, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए सीख लीजिए क्योंकि पता होगा तो अच्छी बात है। गारंटी ऑफ पार्टनर, अब नाम से क्या है गारंटी, किसी भी चीज की हम लोग गारंटी लेते हैं, कुछ भी खराब हो जाता है बोले चलो आपका चिंता दीदी खत्म करो, क्यों गारंटी मिला नहीं भाई हमें वापस दूसरा चाहिए क्योंकि हमने गारंटी लिया है। तो नाम से समझ में आ रहा है कुछ ऐसा रिलेटिव होगा, तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है, ए और बी है बिजनेस कर रहे हैं। अब जो इनने प्रॉफिट सोचा था वो प्रॉफिट आ नहीं रहा है, इन्होंने जो प्रॉफिट सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था वो प्रॉफिट आ नहीं रहा, मेहनत सारी कर रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं फिर भी वो प्रॉफिट इतना क्यों नहीं ला पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे या ऐसे व्यक्ति को ऐड करना चाहेंगे अपने बिजनेस में जो कि उस बिजनेस के बारे में उस काम के बारे में उसको सब पता हो, उस बिजनेस के बारे में उस काम के बारे में उस आदमी को सब पता हो। उससे क्या होगा, वो कब क्या सामान परचेज करना है, रॉ मटेरियल कब खरीदना है, वो सब चीजें इसको बताएगा। तो इससे क्या होगा, अब आपको पता है अगर हमें कोई काम होता है और अगले बंदे से बोलते तो भाव खाता है, तो वैसे ही जो अगला पार्टनर सी होगा वो थोड़ा नखरा करेगा, बोलेगा नहीं हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो उसी को कहते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो भी आए हम आपको 50,000 का गारंटी देते हैं कि अगर 50,000 से कम आएगा प्रॉफिट आपका साल का तो हम अपने पास से देंगे, या तो ए बियर करेगा नहीं तो बी बियर करेगा या दोनों बियर करेंगे, कहीं से भी करके हम आपका 50,000 का प्रॉफिट कंप्लीट करेंगे साल का। ये होता है गारंटी ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर को हमने गारंटी दे दिया कि हाँ आपका अगर 50,000 से कम आता है तो हमको कहीं से भी देंगे, अपने प्रॉफिट से देंगे पर देंगे, ठीक है। तो ये होता है गारंटी ऑफ पार्टनर।